पर्यावरण प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलता है। आपने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब में जो लड़वाई जलाई जाती है, पराली बोलते हो जलाने, तो दिल्ली के अंदर कितना प्रदूषण होता है। और इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था, उसमें पंजाब के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आ गया, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे देश में लड़वाई जलाने में, क्योंकि सैटेलाइट से कितनी जगह आग लगी सब पूरा आजकल रिकॉर्ड हो जाता है। और इसलिए हमारी चिंता का विषय भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि प्रदूषण ना फैले। और इसलिए सरकार ने पहले कठोर कदम उठाए थे कि अगर कोई किसान नरवई जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगी। लेकिन मैं चुप कुछ किसान हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नरवई किसान की मजबूरी है जलाना, मजबूरी में जलाता था, इसलिए कि जल्दी उसको जैसे मूंग की बोनी करना है तो जलाया और एकदम आग लगाई, इधर से साफ हो जाता है, मूंग की बोनी कर लेता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं था, रोटावेटर था, लेकिन रोटावेटर में बहुत डीजल और बहुत समय लगता है और हर किसान उतना कर नहीं सकता है। और इसलिए हमने पूरे उसमें मेरे अधिकारियों से कहा था कि देश में कहां पर ऐसा कोई विकल्प है क्या नरवई का, तो ये सुपर सीडर जो है ये पता लगा कि ये, तो मैंने फिर बुलवाई उसको और प्रदर्शन करने के लिए कहा है। तो सर क्या पाया, कितना लाभ होगा सर किसानों को इससे? इससे किसान को लाभ ये होगा कि जैसे ही अभी जलाना नहीं पड़ेगा नरवई, तत्काल गेहूं कटने के बाद जैसे भूसा निकला उसके बाद इसको चलाने से बोनी भी, मूंग की बोनी करना था इसमें, मूंग की बोनी भी एक ही बार में हो जाएगी, उसमें खाद भी डल जाएगा साथ में, तो दो दो बार कल्टीवेटिंग करने के लिए, बखरने के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे डीजल भी बचेगा, समय भी बचेगा और नरवई नहीं जलाएंगे तो प्रदूषण भी बचेगा। तो ये अनेक चीज़ों का उसका लाभ होगा और इसको हम शुरुआत कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें लागत क्या थी। इसमें सरकार 40% की सब्सिडी भी देती है, पहले से दे रही है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इसका उपयोग ही नहीं हुआ। ये पहली बार हम इसका उपयोग करेंगे और कुछ अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर शुरू करके देखते हैं, फिर धीरे धीरे किसान उसको पूरा अपनाएगा तो ये नरवई जलाने की, पराली जलाने की समस्या वो हल हो जाएगी। क्योंकि नरवई जलाने से हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म होती है, मिट्टी कड़क होती है और लगातार कई सालों तक करने के बाद अनुपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि मित्र कीड़े जल जाते हैं उससे। फिर खेतों के अंदर जितने भी पेड़ होते हैं मेड़ के ना, वो भी जलते हैं, कई बार आग लगती है। एक बार मैं जब पहले मंत्री था 15 साल पहले, और मैं रात में यहाँ से निकल रहा था तो कौन सा गांव था जिसमें आग लगी, राजू तुमने बताया था मेरे रेहड़ा के पास, मैं खुद पहुँचा था वहाँ, तो पूरा गाँव जल गया था। तो जान माल की भी होती है समस्या, और इसलिए इन सब से बचने के लिए नरवई का जलाने की बजाय उसका विकल्प क्या हो सकता है उसको ठीक करने का। इसके अलावा हम इससे नरवई को एक इंडस्ट्री लगाएंगे जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलता है। आपने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब में जो नरवई जलाई जाती है, पराली बोलते हो जलाने, तो दिल्ली के अंदर कितना प्रदूषण होता है। और इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था, उसमें पंजाब के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आ गया, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे देश में नरवई जलाने में, क्योंकि सैटेलाइट से कितनी जगह आग लगी सब पूरा आजकल रिकॉर्ड हो जाता है। और इसलिए हमारी चिंता का विषय भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि प्रदूषण ना फैले। और इसलिए सरकार ने पहले कठोर कदम उठाए थे कि अगर कोई किसान नरवई जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगी। लेकिन मैं चुप कुछ किसान हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नरवई किसान की मजबूरी है जलाना, मजबूरी में जलाता था, इसलिए कि जल्दी उसको जैसे मूंग की बोनी करना है तो जलाया और एकदम आग लगाई, इधर से साफ हो जाता है, मूंग की बोनी कर लेता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं था, रोटावेटर था, लेकिन रोटावेटर में बहुत डीजल और बहुत समय लगता है और हर किसान उतना कर नहीं सकता है। और इसलिए हमने पूरे उसमें मेरे अधिकारी